करें माय टेक्निकल पेज और दबाएं बेल के इस आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं माय टेक्निकल पेज। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर को कैसे वेरीफाई करते हैं। दोस्तों, आपको सिंपली करना है कॉल और आपका जो है कि आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, चलिए आपको बताता हूँ इस वीडियो में, तो देखते रहिए मेरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक आर्टिकल लिखा है, आपको आर्टिकल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन, तो हमारे इस आर्टिकल पे आ जाएंगे। दोस्तों, मैंने इस आर्टिकल में सारी चीजें बता रखी हैं, एक फोन कॉल से अपना जो है कि मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले करना है आपको जो है कि एक नंबर पे कॉल, यहाँ पे जो देख सकते हैं 145466 पे करना है आपको कॉल। कॉल करने के बाद जो है कि आपको आधार कार्ड का 12 डिजिट मांगा जाएगा, जो 12 डिजिट दिया होता है आपके आधार कार्ड नंबर, उसको करना है इंटर। इंटर करने के बाद जो है कि आपका डिटेल्स वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। मतलब जब ने आपने अपना आधार कार्ड बनवाया था, उस समय आपने आधार कार्ड बनवाने के लिए एक नंबर दिया था, उस नंबर पे ओटीपी आएगा। जो ओटीपी आएगा, ओटीपी को जो है कि अपने जहाँ पे पूछ रहा है ओटीपी डालने के लिए, वहां पे आप जो ओटीपी इंटर करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक नहीं कराया था, तो आपको एनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ेगा। वहां पे आपका बायोमेट्रिक लेकर जो है कि आपका मोबाइल नंबर इंटर कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है कि आप इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।